हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। तो इसके पहले जो मैं वीडियो आपको दिखाया, तो उसके अंदर क्या था कि हमने प्रैक्टिकली पढ़े और थोड़े बहुत थ्योरी कंसेप्ट देखे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसका इंटरनल आर्किटेक्चर एग्जैक्टली होता कैसा है और वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। और हर एक पिन के फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर बहुत सारे STR के नंबर लिखे हुए, ठीक है। FSC Q0565RT, यहाँ पर लिखा FSC Q0765RT, ये अलग अलग नंबर है, ये सब इक्विवेलेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस हिसाब से उसके नंबर है, इस हिसाब से उसके नंबर है और उसका देखो जितना वो पावर कंजप्शन करता है उस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कितना वो पावर कंजप्शन करता है, ठीक है, साइड में आउटपुट पावर, ठीक है, टेबल, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं उसके जो उसका इंटरनल डिजाइनिंग है। यहाँ पर एक देखो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो एसी वोल्टेज आते हैं, ये डायोड ब्रिज को दिया जाता है, उसके बाद एक कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद सीधा ये हमारे एक प्राइमरी साइड के जो जो हमारे ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग है प्राइमरी साइड का, उसके ऊपर दिया जाता है और सीधे हमारे ड्रेन से कनेक्ट है, ठीक है, ड्रेन से कनेक्ट है। और दूसरा जो उसका जो सोर्स टर्मिनल है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, दोनों के बीच में कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर देखो VCC दिया है, जो इसको ऑन करने का सिग्नल दिया जाता है इंटरनल सर्किट को। तो वही सिग्नल ये सर देखो यहाँ पर ये वोल्टेज देखो किधर से आ रहे हैं, यहाँ से देखो सीधा ही हमारे AC से आ रहे हैं, देखो यहाँ से AC से आया सिग्नल और ये सीधा ही एक रजिस्टर्स लगा के डायोड लगा के यहाँ पर हमारे VCC पिन को दे दिया गया है, ठीक है। तो ये पिन नंबर फीडबैक इस तरह से देखो यहाँ पर एक LED है और यहाँ पर उसका ट्रांजिस्टर आपको भी दिखाया है, ठीक है। ये देखो ट्रांजिस्टर का हुआ, ठीक है। तो ये सीधा ही फीडबैक पे आते हैं, ठीक है। LED वहाँ पर दिखाया है और ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंक का पिन दिखाया है, सिंक पिन सीधा ही हमारे जो इसका सेकेंड वाइंडिंग है, दो आपको दो वाइंडिंग दिखाया था, तो सेकेंड वाइंडिंग के सीधा यहाँ से एक डायोड और रजिस्टर लगा के वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट बना के यहाँ से वोल्टेज दिया गया है। आपको यहाँ का वोल्टेज बताया था नॉर्मल ऑपरेशन में 4.6 और जो 4.6 से लेके 2.6 के आसपास रहेगा और जो एक्सटेंडेड ऑपरेशन होता है उसमें 3 वोल्ट से लेके 1.6 वोल्ट के आसपास रहेंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ये देखो इंटरनल इसका सर्किट है, इस तरह से इंटरनली इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ा और छोटा करता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरीके से देखें, ठीक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है अभी। तो आप देख सकते हो पिन नंबर 1 जिसका ड्रेन का टर्मिनल है, आपको एक एक चीज दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो पिन नंबर ड्रेन, यहाँ पर पिन नंबर 1 दिया है ड्रेन, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर पिन नंबर 1 ड्रेन दिया है, ठीक है। पिन नंबर 1 ड्रेन है और ड्रेन सीधा ही आप देख सकते हो मॉस्फेट का ही ड्रेन है और यहाँ पर गेट ड्राइव का एक सर्किट बनाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर गेट ड्राइव का एक सर्किट बनाया हुआ है, थोड़ा करके प्रॉपर आपको दिखे, ठीक है, अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रेन और यहाँ पर देखो सोर्स है, सोर्स सीधा ही हमारे ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक गेट ड्राइव का सीधा ही एक सर्किट बनाया हुआ है जो कि इस सब सिग्नलों को लेता है, जहाँ पर जो भी देखा है यहाँ पर आपका थ्रेशोल्ड इसका जो सिंक का है एक पर्टिकुलर वोल्टेज से कंपेयर किया था। थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर 4.6 और 2.6, ठीक है। और यहाँ पर जो मिनिमम है
एक्सटेंडेड में क्या है 3 वोल्ट से लेकर 1.2, यहाँ का वोल्टेज ये दोनों पिनों के कंपेयर करता है। उसके बाद अगर हाई होता है तो इस कंपेयर करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पर आता है रेजोनेंट के सर्किट के अंदर, क्यू से लिखा है रेजोनेंट। तो यहाँ से एक ऑसिलेटर एक फिक्स फ्रिक्वेंसी दिया जाता है, PWM जो अपना गेट ड्राइव है उसको एक फिक्स फ्रिक्वेंसी दिया जाता है ताकि उसी फ्रिक्वेंसी से यहाँ पर गेट को ड्राइव किया जाए, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर फीडबैक का पिन किस तरह से है, इसके अंदर VCC, V-reference एंड V-reference जो दो रेफरेंस वोल्टेज है सेम है। इसके बाद आई फीडबैक एंड IBF, ठीक है, दो यहाँ पर करंट, ये दोनों को इस फीडबैक के साथ कंपेयर किया जाता है, फीडबैक करंट के साथ कंपेयर किया जाता है। आपको बताया ना दो होते हैं, दो केस में फीडबैक काम करता है, एक ओवरलोड प्रोटेक्शन, एक ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो दो कंडीशन, यहाँ से करंट को रेफरेंस करंट को यहाँ से कंपेयर करता है, और इस हिसाब से अगर करंट ज़्यादा हुआ, यहाँ फीडबैक करंट जो है ज़्यादा हो गया, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये सीधा ही यहाँ पर देखो एक ओपैम दिया है, मतलब कंपैरेटर, आप सब समझते हैं कंपैरेटर है, और बीच में एक लैच लगाया हुआ है, QSR लैच है, तो उसको सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद एक हमारे नॉर गेट, ठीक है, नॉर गेट को दिया जाता है, उसी हिसाब से हमारे गेट ड्राइव हमारा काम करता है। और यहाँ पर देखो आपको VSD, शट डाउन वोल्टेज, सिंक वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तीन यहाँ पर मेन तीन आपको जो भी सिग्नल है यहाँ से आपके जो वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आपको सीधा ही आपके यहाँ पर नॉर गेट को दिया जाता है, यहाँ पर भी एक 9 वोल्ट का VCC दिया है, 9 वोल्ट, और उसके बाद यहाँ पर एक SR लैच लगाया हुआ है। तो ये सब पूरा इंटरनल सर्किट है, जिस तरह से काम करता है उसके बारे में पूरा डिटेल है, ठीक है। तो जब भी आपको STR कोई ख़राब होगा तो आपको इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक तरीका बताता हूँ कि सिंपल तरीका कि किस तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इतना आपको डीप में कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम थोड़ा पिन के बारे में डिस्कशन देते हैं, क्या है पिन का। तो यहाँ का पिन डिस्क्रिप्शन दिया है, तो पिन नंबर 1 ड्रेन, ठीक है, हाई वोल्टेज पावर सेंस FET ड्रेन कनेक्शन, ठीक है। ये पिन हाई वोल्टेज मतलब आपको 300 वोल्ट के आसपास रहते हैं, यहाँ पर सेंस FET ड्रेन कनेक्शन, ड्रेन जो MOSFET के ड्रेन पे कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्ट होता है, ठीक है। दिस पिन इज कंट्रोल ग्राउंड सेंस FET सोर्स, ओके। VCC क्या होता है, दिस पिन इज द पॉजिटिव सप्लाई इनपुट, दिस पिन इज प्रोवाइड द इंटरनल ऑपरेटिंग करंट फॉर बोथ स्टार्टअप एंड स्टडी स्टेट ऑपरेशन, ठीक है। स्टार्ट होने के लिए, इस आपको बताया ना, स्टार्ट होने के लिए स्टार्टअप एक वोल्टेज दिया जाता है कि ताकि हमारा जो पावर सप्लाई स्टार्ट होकर सेकेंडरी साइड में वोल्टेज देना शुरू करे, ठीक है। वी फीडबैक, दिस पिन इज इंटरनली कनेक्टेड टू इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ PWM कंपैरेटर, द कलेक्टर ऑफ द ऑप्टोकपलर इज टिपिकली टाइट टू दिस पिन। आपको बताया था कि जो कलेक्टर होता है ऑप्टोकपलर का सीधा है डायरेक्टली इस पिन से कनेक्ट होता है। फॉर स्टेबल ऑपरेशन एक कैपेसिटर शुड बी प्लेस बिटवीन दिस पिन, एक कैपेसिटर में लगा था आपने देखा था, तो दिस पिन और ये पिन से और ग्राउंड पिन से, ठीक है। इफ द वोल्टेज ऑफ दिस पिन इज रिचेस टू 7.5, अगर ये पिन का वोल्टेज 7.5 के ऊपर होता है द ओवरलोड प्रोटेक्शन ट्रिगरिंग, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओवरलोड के कारण एक ट्रिगर किया जाता है हमारे गेट ड्राइव सर्किट को ताकि हमारा जो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज जा रहा है वो बंद हो जाए, विच रिजल्ट इन द FES शट डाउन, ठीक है, हमारा जो पावर सप्लाई है वो शट डाउन हो जाए। सिंक पिन आपके बारे में बताया था, इसके बाद थोड़ा देखेंगे। तो दिस पिन इज इंटरनली कनेक्टेड टू सिंक डिटेक्टर कंपैरेटर QC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन द नॉर्मल QC रेजोनेंट ऑपरेशन द थ्रेशोल्ड ऑफ द सिंक कंपैरेटर इज 4.6 to /2.6 whereas the sink threshold is resist change to 3 volt to 1.8 volt in extended QC resonant operation, ठीक है। इस तरह से सब दिया है,
आप कभी ये सब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब ये अगर ये ख़राब हो या लीकेज हो तो किस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं। आपको देखो यहाँ पिन डिस्क्रिप्शन दिया है, इस तरह से पिन नंबर आपका 1 जो है ड्रेन है, पिन नंबर 2 ग्राउंड है, पिन नंबर 3 यहाँ BCC है, पिन नंबर 4 भी यहाँ पर भी फीडबैक है और सिंक पिन। ठीक है, आगे चलते हैं डेटा शीट के ऊपर। तो ये अलग अलग इसके दिए हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम रेटिंग क्या है, मिनिमम रेटिंग क्या है, वो सब दिए हैं इसके। आगे का देखते हैं, आगे जो आपको जानने वाली चीज़ें आपको बताता हूँ। इस तरह से इसका पावर सप्लाई बना रहता है जो कि हमने देखे हैं। ठीक है, आपको बताया था जो मिनिमम और मैक्सिमम, जो आपको बताया था जिसके 2 वोल्टेज के रेफरेंस में इसको कम ट्रिगर करना है, तो वही है रेफरेंस। देखो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक 9 वोल्ट है, पावर डाउन एंड पावर अप, 9 वोल्ट और 15 वोल्ट के बीच में इसको चालू और बंद करना रहता है। ठीक है, ये एक विंडो बना हुआ है जिसके जिससे कंपेयर करते हैं और इसी हिसाब से वोल्टेज को विंडोज, मतलब जो उसका लोअर लिमिट है वो 9 है वोल्ट है और जो अपर लिमिट है वो 15 वोल्ट है, ना ही इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा। ठीक है, इसके ही बीच में वो स्विचिंग करेगा, ऑपरेटिंग सप्लाई करंट। ठीक है, ठीक है, ये सब पूरे हो गए। अभी कुछ इसमें कुछ और देखने वाली चीज़ नहीं है। अब और आपको सर्किट दिखाता हूँ किस तरह से है। सर्किट है यहाँ पर, एक पूरा सर्किट बना हुआ है। ठीक है, कि किस तरह से इसका आउटपुट निकलता है, कैसे वोल्टेज कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे, इस तरह से पूरा यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, जो हमने पीछे अभी सर्किट रिफर किया है, पीछे साइड में हमने देखा था, लाइव टेस्टिंग किया था, वही सर्किट यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन सब वही है। पिन नंबर 1 ड्रेन है, ड्रेन सीधा ही यहाँ पर आपको कनेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, ड्रेन से कनेक्ट है। सिंक पिन, फीडबैक, फीडबैक ग्राउंड एंड जो हमारा VCC है। ठीक है, ये पूरा सर्किट बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा देखो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फ्यूज है, एक जो AC साइकिल फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर यहाँ पर है, लाइन फिल्टर, यहाँ पर डायोड ब्रिज बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर के बारे में बताया था आपको, ऑप्टो कपलर देखो, ये ऑप्टो कपलर इस तरह से रहता है। इसका देखो ये कलेक्टर का पिन है, ये इमीटर का पिन है, तो कलेक्टर का देखो पिन सीधा ही हमारे फीडबैक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, देखिए इस तरह से। ठीक है, उसके बीच में कपलिंग कैपेसिटर लगाया है, आप बोल सकते हैं फिल्टर। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। ऐसा आपके कुछ काम के नहीं है जो आपके। ठीक है, तो ये पूरा रहा, तो हम लोग इसको थोड़ा अभी देखते हैं कि अगर ये ख़राब होता है तो हम किस तरह से कैसे मालूम पड़े कि हमारा STR शॉर्ट हो गया है या लीकेज हो गया है, किस तरह से मालूम करें, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। तो इसके लिए मैं सर्किट ऑफिस से वो सर्किट उठाता हूँ और आपको बताता हूँ। अगर ये सब मतलब इसके अंदर कुछ शॉर्टिंग हुआ है, आपको समझ सब ऐसा कंडीशन कभी आता है कि हमको STR रिप्लेस करने की नौबत आए। ठीक है, तो वो कंडीशन कभी बनता है जब हमारा सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं जा रहे हैं तब। ठीक है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी साइड चेक करना है कि सेकेंडरी साइड में कोई सॉकेट शॉर्टेज है, और सेकेंडरी साइड को शॉर्टेज चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जो सेकेंडरी साइड का मेन फिल्टर लगा हुआ है 160 वोल्ट का, उसके ऊपर शॉर्टिंग आपको चेक करना होता है कंटिन्यूटी रेंज पर रख के। ठीक है, अगर वहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है तो फिर आपको फिर पावर सप्लाई का आपको ध्यान देना है पावर सप्लाई में। तो पावर सप्लाई में आपको इस तरह से देखना है कि अगर आपके फिल्टर के ऊपर जो ये फिल्टर लगा है यहाँ पर आपको ये वोल्टेज स्टोर है, आपने TV ऑन किया, ठीक है, सब TV मेरा ऑन नहीं हुआ, मेरा LED चालू नहीं हुआ, LED भी मेरा जो TV का फ्रंट साइड का LED है ये LED वो भी चालू नहीं हुआ। ठीक है, और आपके सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज नहीं आए, ऐसे कंडीशन में क्या रहेंगे, 100% आपके यहाँ पर फिल्टर पे चार्ज स्टोर रहेंगे, आप बोलते हैं वोल्टेज जमा रहेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में सबसे पहले काम आपको STR को निकालना है
ठीक है, एसटीआर को निकाल के बाहर रखना है, यहाँ का प्रॉपर वोल्टेज चेक करना है, ठीक है, प्रॉपर वोल्टेज चेक करना है। अगर प्रॉपर वोल्टेज बने हैं इसके ऊपर है तो फिर आपको नया एसटीआर आपको एक बार डाल के देखना है, ठीक है। अगर वो कौन सा ये वोल्टेज एक अब्सेंट रहेगा यहाँ पर, जो भी आपको वोल्टेज अभी दिखाया है, कोई भी एक वोल्टेज यहाँ पर अब्सेंट है, ठीक है, फीडबैक वोल्टेज छोड़ के, अगर जो इनपुट जो इसके लिए मेन जो इसको VCC जो इसको ऑन करने के लिए, इंटरनल सर्किट को ऑन करने के लिए जो 25 वोल्ट 28 वोल्ट जा रहे हैं वो जरूरी है, वो रहना ही चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो आपका तो सर जो STR ऑन नहीं होगा, और ऑन नहीं होगा तो आपका प्राइमरी सेक्शन ही पूरा बंद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो वोल्टेज आपको चेक करना है, इंपॉर्टेंट वोल्टेज इसमें वही है, ठीक है। अगर वो वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये तीन वोल्टेज जो आपको सबसे पहले VCC जो भी पिन नंबर 1 पे आता है, पिन नंबर 2 ग्राउंड है, पिन नंबर 3, ये तीन वोल्टेज हमारे प्राइमरी सेक्शन से रिलेटेड है। बाकी ये दो वोल्टेज हमारे जब सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जाने लगेंगे तो ये दोनों वोल्टेज आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तीन वोल्टेज आपको चेक करने हैं, ये दो वोल्टेज, ठीक है। और दूसरी और इसमें यही कंडीशन रहता है, और यहाँ पर जो छोटे मोटे कैपेसिटर लगे रहते हैं उसको भी आपको चेंज करना है। एक बार आपको बोला कि जो एक कैपेसिटर लगा रहता है, बोला ना ग्राउंड के साथ में, तो वो कैपेसिटर यही है, तो आपको इस कैपेसिटर को एक बार रिप्लेस करके भी देखना है। जब आपके सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं जा रहे तो ये कैपेसिटर को आपको एक बार रिप्लेस करके भी देख लेना है, ठीक है। ठीक है, अगर आपने रिप्लेस करके आपका काम हो गया तो ठीक है, और भी अच्छी बात है, नहीं तो आपको STR चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऐसे कंडीशन बनती है, आपके प्राइमरी साइड में वोल्टेज आपको स्टोर मिले हैं, करंट आपके फिल्टर पे जमा है, वोल्टेज आपके फिल्टर पे जमा है, स्टोर है, तो उस कंडीशन में आपको STR को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, आपको यहाँ पर आपके दोनों टर्मिनल पे और STR शॉर्ट भी होता है, शॉर्ट मतलब कि इसका ड्रेन और सोर्स टर्मिनल दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर शॉर्टिंग मिलेगी इस तरह से। मैं आपको चेक कराता हूँ, आपको इस तरह से यहाँ पर मीट करना है, तो आपको यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करना है। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। शॉर्टिंग दिखाएगा तो आपका सपोज अगर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाया आपको, तो सबसे पहले STR को निकाल के बाहर करो, बाहर कर दिए शॉर्टिंग चले गया, नया STR डाल दो, आपको चालू हो जाएगा 100%, ठीक है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा STR के बारे में, STR किस तरह से चेक करें, STR खराब हो तो क्या करें, कैसे मालूम पड़े STR ख़राब है शॉर्ट है, तो आपको पूरा बता दिया हूँ। STR अगर शॉर्ट रहेगा तो आपको कैपेसिटर पे शॉर्ट दिखेगा, शॉर्टिंग आपको कैपेसिटर पे चेक करना है। अगर STR लीकेज है तो आपको सबसे पहले इसको निकालना है बाहर, यहाँ का वोल्टेज देखना है प्रॉपर है, ठीक है, तो नया STR एक बार डाल के आपको देख लेना है, ठीक है। ऐसे कंडीशन कब होगा, जब सेकेंडरी साइड में वोल्टेज नहीं जाएगा तब, ठीक है। आपको ये वोल्टेज तभी तभी सब चेक करना है, जैसे जैसे आप को वोल्टेज अगर नहीं मिलेंगे तो आप पहले देखें कि कहाँ से वोल्टेज कितना वोल्ट आ रहा है, तो वो सब चेक करो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैक्सिमम इसे शेयर करो। सब्सक्राइब करने से आपको एक बेनिफिट रहेगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको एक मेल चला जाएगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि मैंने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके ईजिली उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।